ओके तो अब हमारा जो आपका टॉपिक है वो है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब ये लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल होते क्या हैं? देखिए वर्ड है LOCAL, लोकल एंड है ग्लोबल। अब लोकल एंड ग्लोबल जब भी कंप्यूटर की टर्म में आपको कहीं पे ये वर्ड मिलते हैं तो इट मींस लोकल। लोकल कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर, ठीक है। लोकल सिटी मतलब आपका ज़ाती शहर। लोकल पोस्ट ऑफिस यानी कि आपका खुद के शहर का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब ग्लोबल हो गया मतलब इंटरनेशनल हो गया, मतलब जिसका स्कोप यानी कि जिसका यूटिलाइजेशन वो एक शहर का ना हो, एक शहर से ज़्यादा का हो, एक क्लास का ना हो, एक क्लास से ज़्यादा का हो, एक कंप्यूटर का ना हो, एक कंप्यूटर से ज़्यादा का हो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात है वो आती है स्कोप की, मतलब एक वेरिएबल किस किस इन्वायरमेंट में यूज़ हो सकता है और अगर उस वेरिएबल को ग्लोबल करना हो तो उसको ग्लोबल कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर आपने इस बात को समझना है। कह रहा है अ लोकल वेरिएबल इज़ अ डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर या आप जो अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर करते हैं, डबल करते हैं, बूल करते हैं, चार के नाम से, स्ट्रिंग के नाम से, तो वो वेरिएबल लोकल होगा और एंड इट इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, और वो उस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब एक वेरिएबल जिस भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा वो उसी फंक्शन में ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर एक्सेस किया नहीं जा सकता। इसका मिसाल यूँ ले सकते हैं कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें तो आप उसी कमरे में अवेलेबल हैं, उसके बाहर आपको अवेलेबल नहीं है, ना ही आपको एक्सेस किया जा सकता है। ये लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस एंड इज़ एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शन इन इट्स स्कोप। कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन से आउटसाइड या तमाम फंक्शन के बाहर की तरफ उनको डिफाइन किया जाता है, और फिर आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होंगे लोकल यूज़र डिफाइन फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस उनमें उनको एक्सेस किया जा सकेगा। बस इस बात को इसी तरह समझ ले, लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन में डिफ़ाइन किया जा रहा है सिर्फ उसी में एक्सेस किया जा सकता है उसकी वैल्यूज़ को, और उसको प्रोसेस किया जा सकता है। और जो ग्लोबल फंक्शन होगा उसको आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और तमाम फंक्शंस में उनको एक्सेस किया जा सकता है, उनकी वैल्यूज़ को अपडेट किया जा सकता है। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन आर लोकल डेट टू द डेट फंक्शन, दे आर हिडन फ्रॉम द स्टेटमेंट इन अदर फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसी में एक्सेसिबल है, दूसरे फंक्शन जो आप बनाएंगे उनमें उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। विच इज़ नॉर्मली कैन नॉट एक्सेस देन प्रोग्राम 6-6 वे ज़्यादा पता रहे कि नहीं कर सकते हैं। और डिफाइंड इन अ फंक्शन और हिडन फंक्शंस और सेवन पार्ट डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स विद द सेम नेम्स। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शन ए और फंक्शन बी, तो उसमें अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो वैसे आम तौर पे एक फंक्शन के अंदर रहते हुए हम दो वेरिएबल सेम नेम से नहीं बना सकते, लेकिन दो अलग अलग फंक्शन के अंदर सेम नेम से वेरिएबल बना सकते हैं सेम टाइप के, क्योंकि उनका स्कोप सिर्फ उन्हीं फंक्शन तक होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखें इस प्रोग्राम को ज़रा स्टडी करें, दिस प्रोग्राम शोज़ द वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन आर हिडन फ्रॉम अदर फंक्शन। तो कह रहा है देखिए इस प्रोग्राम का फोकस करें, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आई स्ट्रीम से, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा void another function। अब ये void का मतलब है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इसकी कोई टाइप नहीं बताई आपने ना, जैसा ये मतलब कोई इनपुट भी नहीं रखा, इसका कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, जो इसको देंगे वो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कर दी, अब इसका नाम है another function। अब इंटीजर मेन करके यहाँ से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे 1। अब ये जो मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल आ रहा है डिफाइन हुआ है जिसकी वैल्यू नम 1 रखी है, इसका जो वेरिएबल है इसको हम कहेंगे ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये अगर एक लोकल वेरिएबल है तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ तक होगा? ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ तक होगा? इसका यूटिलाइजेशन इसी वेरिएबल के इसी फंक्शन के अंदर तक होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है सी आउट आई इन मेन फंक्शन माई नेम इज़, जो भी माई नंबर इज़, जो भी नंबर की वैल्यू थी वही यहाँ नज़र आएगा। अब अनदर फंक्शन यानी कि जो फंक्शन यहाँ ऊपर डिफाइन किया है उसको कॉल किया और कहा सी आउट बैक इन मेन फंक्शन नम इज़ नम, तो नम इज़ लिखा बैक इन फंक्शन और नम की वैल्यू को दिखा दिया, ठीक है अगले स्टेप। तो जैसे ही हम ये प्रोग्राम जब इस फंक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ पर एक और नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन उस वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है
और ये नम जो है वो इस फंक्शन का नम लोकल वेरिएबल है, तो इस तरह पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ही नम नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एरर आ जाएगा, और यहाँ पर ये अनदर फंक्शन नम इज नम सी आउट कर देगा, तो यहाँ पे सी आउट करके अनदर फंक्शन नम यहाँ पर भी नम की वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं करता, जब वॉइड लग गया तो ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही फंक्शन के अंदर जाएगा जो स्टेटमेंट लिखी होगी डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, डायरेक्टली इसको परफॉर्म कर देगा। ये आपका जो एक फंक्शन है इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो अभी इसको देखें, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमने कंट्रोल एन किया और यहाँ पर कंट्रोल वी किया, यहाँ पर हमने इन लाइन नंबर्स को जल्दी जल्दी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए इसको समझना बहुत आसान हो गया है कि यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि वो कुछ वैल्यू का इनपुट ही नहीं ले रहा, पैरामीटर ही पास नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे वॉइड लिख दिया है। जब इस तरह से कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो डायरेक्टली जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर होती है वो परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है नम जिसकी वन वैल्यू है, और यहाँ पर एक इसका लोकल वेरिएबल है नम जिसकी वैल्यू 20 है। यहाँ पर हमने एक आउटपुट लिया है जो इसकी वैल्यू का आउटपुट करेगा, और यहाँ पर जो हमने आउटपुट लिया है वो कौन सी किसकी वैल्यू करेगा, वो भी इसकी वैल्यू का करेगा, और यहाँ पे जो आउटपुट करेगा वो इस वाले नम वाले वैल्यू का और इसका आउटपुट करेगा। तो अभी इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। क्लास हो गई हमारी 47 लोकल वेरिएबल इन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्राम को जैसे हमने रन किया तो यहाँ पर एक एरर आ गया लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये इसको स्टेटमेंट है तो इसको इस तरह से कर देते हैं, कमेंट्स बना दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये रन हो गया प्रोग्राम हमारा, तो देखिए आउटपुट आपके सामने ही है। तो 11 आ रहा है इंटीजर मेन फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया है लोकल वेरिएबल मेन में अंदर, उसका 1 आउटपुट आ रहा है और दूसरे का भी 1 आउटपुट आ रहा है, जबकि ये जो आउटपुट आ रहा है ये आपके अनदर फंक्शन को जो आपने प्रोटोटाइपिंग की थी उसका आ रहा है, और यहाँ पर ये इसको इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो ये लोकल वेरिएबल को इसने एक्सप्लेन किया है कि दो लोकल वेरिएबल सेम नेम से अलग अलग वैल्यू से दो अलग अलग फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जा सकते हैं और उनका आउटपुट भी हो सकता है, लेकिन एक ही फंक्शन के अंदर दो लोकल वेरिएबल सेम नेम से डिक्लेयर नहीं की जा सकते और उनका आउटपुट भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, फर्दर इसमें हमें बता रहा है कि भाई अब इस लोकल वेरिएबल के बारे में तो हो गया मामला कि भाई मेन फंक्शन की वैल्यू, यही समझा रहा जो मैंने आपको समझाया था। अब इनिशियलाइजिंग लोकल वेरिएबल विद पैरामीटर वैल्यू, अब पैरामीटर वैल्यू के साथ लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन में, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन इसने बनाया इंटीजर सम नाम का, जिसके अंदर दो इसने पैरामीटर पास किए हैं, इंटीजर नम वन और नम टू, ठीक है, और इंटीजर रिजल्ट करके इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और रिजल्ट इज इक्वल टू नम प्लस नम टू कर दिया और रिटर्न रिजल्ट कर दिया। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, दो इनपुट लाएगा आर्ग्यूमेंट के, इसको प्लस करेगा और इसको दे देगा और ये इसको रिटर्न कर देगा फंक्शन को। ये वेरिएबल यहीं पर ही एक्सेसिबल है, ये आपके मेन फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होंगे। कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ पैरामीटर वेरिएबल टू इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल, ठीक है ना, पैरामीटर लोकल वेरिएबल के लिए तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। सम टाइम दिस सिंप्लीफाइज द कोड इन अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल रिकॉल द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सम फंक्शन वी आर डिस्कस हेयर। तो फर्स्ट वर्जन इसका ये। अब आगे चलते हैं, तो फिर आगे चल के इसने कहा कि इंटीजर सम इंटीजर सेम इसने यही किया, तो जो स्क्वायर रिटर्न हो रहा था। अब आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं इनको समझिए, ग्लोबल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में तमाम फंक्शंस के बाहर इनको डिफाइन किया जा सकता है, किया जाता है। द स्कोप ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द वेरिएबल डेफिनेशन टू द एंड, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सेस ऑल द फंक्शन दैट आर डिफाइंड आफ्टर द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। पहली लाइन तो ये समझ लें कि ये जो इसने आपको बताई कि ये वाली लाइन के इसने कहा कि ये जो है ना जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो तमाम फंक्शन से पहले डिफाइन किए जाते हैं, अच्छा इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी लाइन में इसने कहा कि ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल कहाँ किए जा सकते हैं, उन तमाम फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है जिनसे पहले इनको डिफाइन किया गया है। अब जिस फंक्शन के बाद इसको डिफाइन किया जा सकेगा उससे उसमें इस ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस नहीं होगा। शोज टू फंक्शंस मेन एंड अदर फंक्शंस दैट एक्सेस द सेम ग्लोबल वेरिएबल। अब कह रहा है कि इसने दो प्रोग्राम के जरिए एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मेन, मेन फंक्शन तो हमारा हर प्रोग्राम होता है क्योंकि इसी को एग्जीक्यूट करता है, और अनदर फंक्शन जो हमारे इन ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो आइए इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया है इसने, यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम को शुरू किया हैश एक्सक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्मार्ट। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा है वॉइड अनदर फंक्शन, ये फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग है, फंक्शन डिक्लेरेशन है,
याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या, ये कोई मैसेज, कोई ना पैरामीटर है, ना कोई वैल्यू का इनपुट लेगा, ना ये रिटर्न करेगा। तो करेगा क्या भाई, जो भी इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे ये उसको परफॉर्म कर देगा, प्रोपोर्शन ऑफ कोड जो भी इसमें लिखा जाएगा। अब आप देखें, मेन से पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, इंटीजर नम इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए, यानी कि अनदर फंक्शन के अंदर या फिर मेन फंक्शन के अंदर, और ग्लोबल वेरिएबल जो किसी जो फंक्शन से पहले इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए, मेन फंक्शन से, यहाँ पे जहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं अपने किसी भी फंक्शन की, वहाँ पे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि वो इंटीजर के साथ हो या डबल के साथ हो, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो मेन फंक्शन में आके इसने कहा इन मेन फंक्शन नम की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, और उसी प्रोग्राम को इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अनदर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उधर भी इसकी वैल्यू 2 ही होगी, और फिर इसने अनदर फंक्शन के अंदर नम की वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखें क्या चेंज आएगा, यहाँ पर नम की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, 2 आएगी, और जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है, वहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने इसके अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, उसी वेरिएबल को यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आउटपुट 50 आ जाएगा। और बैक इन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, आप बताएं चैट बॉक्स के अंदर क्या आना चाहिए आपका आउटपुट, इसका आउटपुट 2 आना चाहिए या 50 आना चाहिए यहाँ पे, यानी बैक इन या मेन प्रोग्राम में आएगा, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद दोबारा मेन के अंदर आएगा और यहाँ पे नम की वैल्यू का आउटपुट आएगा, तो क्या आएगा बताइए चैट बॉक्स में, 2 आएगा या 50 आएगा, मैं जब तक इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने 47 करके ग्लोबल वेरिएबल कर दिया, यहाँ पे जाके ओके, श्वेता का 50, करीना का 2, ओके। तीसरा कोई जो बताना चाहे, जब तक मैं सही कर रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी कर लें आप, ओके। मैंने इसी प्रोग्राम को सेव एज करा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वही इंटीजर नम, और इसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ कितनी, 2, ठीक है। और जब वहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल का काम खत्म हो गया, यहाँ से भी लोकल वेरिएबल को डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ से भी लोकल वेरिएबल को डिलीट कर दिया, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया नम असाइनमेंट 50, ओके। तो अब आपके आंसर को प्रूफ करने का टाइम आ गया है, देखते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कहा है करीना ने कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, जबकि इशिता ने कहा है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पर भी 50 आएगा, ओके, चेक इट आउट। समरीन भी 2 कह रही हैं, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चेक करते हैं प्रोग्राम को, रन किया हमने यहाँ पे प्रोग्राम को, तो जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन हुआ तो आंसर आया, आ जाओ भाई, 250 50। तो यहाँ पर इशिता जीत गई हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखें इसी बात को समझाना चाह रहे थे आपको कि ग्लोबल वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं बिफोर द मेन फंक्शन, जब उसको एक्सेस कर पा रहा है मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन ने उसकी वैल्यू का आउटपुट दिया 2, जब वो अनदर फंक्शन में गया तो अनदर फंक्शन में हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, उसी फंक्शन को ग्लोबल वाले को यूज़ कर लिया और यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया हमने, वहाँ 2 थी इसकी वैल्यू 50 करती, तो इसका आउटपुट यहाँ पे इसने क्या देना था 50। वैंस अगेन जब ये मेन फंक्शन में आया तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी, तो यहाँ 50 हो गई थी, तो यहाँ भी इसका आउटपुट क्या आएगा 50। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर देखिए लोकल वेरिएबल वाले में आपने उसकी वैल्यू भले रखी थी, कितनी रखी थी, 2 रखी थी, आई थिंक वो प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया, एक मिनट मैं ऑन कर लूँ। अच्छा तो दोनों एक ही नाम से सेव हो गया, लोकल वेरिएबल ये रहा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैल्यू हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे इन मेन फंक्शन के अंदर हमने 1 रखी थी, ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये यहीं पर ही एक्सेस हो सकता है, तो यहाँ पे आउटपुट पे 2 आया, ठीक है। फिर जब वो मेन फंक्शन के अंदर से निकल कर गया अनदर फंक्शन के अंदर, वहाँ पर एक और लोकल वेरिएबल था, उसका नाम नेम था, लेकिन वो इसका लोकल वेरिएबल है, ये अलग है, देखें जहन में रखें, ये अलग है और ये अलग है, मतलब यूँ समझें एक करीना है और एक अशिता है, करीना की जेब में भी 20 का नोट है, ये करीना है, तो ये करीना का 20 का नोट है और ये अशिता है, इशिते का नोट भी 20 का नोट है। अगर करीना ने उसमें से 5 रुपये खर्च कर दिए तो वो करीना के कम हुए, इशिता के कम नहीं हुए, ठीक है। इसी तरह से करीना इशिता के 20 रुपये खर्च नहीं कर सकती और इशिता करीना के 20 रुपये खर्च नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि नोट 20 का है तो दोनों के पास सेम है। ये लोकल वेरिएबल का डिफरेंस है और ग्लोबल वेरिएबल का
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में यही फ़र्क है कि लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के या यूज़र डिफाइंड फंक्शन के या किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और उनका स्कोप और यूटिलाइजेशन वहीं तक ही होता है। इसकी वैल्यू ये एक्सेस नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू ये एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो कि मेन फंक्शन से बिफोर डिफाइन किया जाएगा उसकी वैल्यू को ये फंक्शन, मेन फंक्शन और जितने फंक्शन आप डिफाइन करेंगे सभी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मेन स्ट्रीम के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से डेटा आके एक जगह पर अपडेट हो सकता है ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इस तरह ग्लोबल कॉन्स्टेंट भी होते हैं, लोकल कॉन्स्टेंट भी होते हैं। अब थोड़ा सा चलो इसको समझ लेते हैं। ऑल दो यू शुड ट्राई टू अवॉइड, अब ग्लोबल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन तो आपको पता है जो चेंज नहीं हो सकते। अ ग्लोबल कॉन्स्टेंट इज़ अ नेम्ड कॉन्स्टेंट डेट इज़ वेरी अवेल टू एवरी इन फंक्शन, यानी कि तमाम फंक्शन में अवेलेबल होता है, और लोकल कॉन्स्टेंट उसी फंक्शन में अवेल होता है। तो यहाँ पर इसने ग्लोबल कॉन्स्टेंट की भी एक डेफिनेशन दी है। देखो, इसने मेन फंक्शन से पहले कुछ कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए हैं, ये ग्लोबल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इनको फिर इसने फंक्शन प्रोटोटाइप्स के अंदर ये दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं इसने, और इनके अंदर ये यूज़ कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर इसको हम करके देख सकते हैं। बहरहाल हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल और लोकल कॉन्स्टेंट और ग्लोबल कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट को थोड़ा समझा, बाकी कल करेंगे, थोड़ा थक गया हूँ मैं, ठीक है।